बॉलीवुड कैफे स्क्रीन द प्रेजेंटिंग रेवोल्यूशनरी रोड। कहानी शुरू होती है 1948 से, जहां एक पार्टी चल रही होती है। इस पार्टी में बहुत सारे लोग हैं। पार्टी में हमें इस फिल्म का मुख्य किरदार फ्रैंक दिखाया जाता है। वहीं अप्रैल नाम की एक लड़की होती है जो बार बार फ्रैंक की तरफ देख रही होती है। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। बातचीत के दौरान अप्रैल कहती है कि वह अभिनेत्री बनना चाहती है। पहली मुलाकात से ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। कहानी आगे बढ़ती है। अब अप्रैल का एक शो चल रहा है, लेकिन अप्रैल में अभिनय कौशल की कमी के कारण वह अपने काम से निराश है। फ्रैंक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन अप्रैल के गुस्से के कारण दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। वहीं फ्रैंक भी अपने काम से खुश नहीं है। फ्रैंक नॉक्स नाम की कंपनी में सेल्स मैनेजर के तौर पर काम करता है। ये वही कंपनी है जहां उनके पिता काम करते थे। वो कभी भी उस कंपनी में काम नहीं करना चाहता, बल्कि वो रोजी रोटी के लिए काम करता है। कुछ दिनों बाद दोनों ने शादी कर ली। अब उनके दो बच्चे हैं। अपने काम के अनुसार फ्रैंक और अप्रैल रिवोल्यूशनरी रोड पर एक घर में रहते हैं, जहां बच्चों के पास खेलने के लिए काफी जगह है। आसपास के लोग फ्रैंक और अप्रैल को अच्छा पति पत्नी मानते हैं। सुबह फ्रैंक अपने काम के लिए निकल जाता है और अप्रैल घर पर अपना काम करती है। फ्रैंक अपनी नौकरी से नाखुश है। इस नाराजगी के कारण उसे हमेशा अपने बॉस से डांट पड़ती है और अप्रैल के साथ लड़ाई के कारण फ्रैंक अपने सेक्रेटरी मरीन के साथ समय बिताता है। यहाँ तक कि अपना जन्मदिन भी वो मरीन के साथ मनाता है। दूसरी ओर उसी दिन अप्रैल अपने घर का सारा काम करती है, तभी उसे फ्रैंक की बचपन की तस्वीरें मिलती हैं, जिन्हें देखकर उसे याद आता है कि एक दिन फ्रैंक ने उससे कहा था कि वो हमेशा से पेरिस में रहना चाहता है। अप्रैल ने फैसला किया कि वह अपने पूरे परिवार के साथ पेरिस जाएगी। समय ऐसे ही बीतता गया और शाम हो गई। अब फ्रैंक घर आता है। अप्रैल अपने बच्चों के साथ फ्रैंक का जन्मदिन मनाती है। यह देखकर फ्रैंक को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मरीन का अपने मोबाइल से उसका नंबर डिलीट कर देता है। तभी एक आंटी उसके घर आती है और कहती है कि मेरा बेटा मानसिक रूप से बहुत बीमार है और हम उसका इलाज कर रहे हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप दोनों उससे मिलें। फ्रैंक और अप्रैल हाँ कहते हैं। अगली सुबह वो ऑफिस में जाता है और सभी को पेरिस को जाने की बात बताता है। हालांकि हर कोई सोचता है कि यह एक मजाक है, लेकिन यही सच है। पहले तो फ्रैंक को समझ नहीं आया कि नए शहर में जाकर वो क्या करेगा, लेकिन जब वह अप्रैल की बात सुनता है तो उसे यकीन हो जाता है कि अगर वह कुछ काम नहीं करेगा तो वो अप्रैल की सैलरी पर गुजारा कर सकता है। अब धीरे धीरे पेरिस जाने की तैयारी करने लगे। दोनों बहुत खुश होते हैं। आखिरकार फ्रैंक और अप्रैल अपना पसंदीदा काम करने जा रहे थे और फ्रैंक को लगा कि नए शहर में उसके सारे सपने सच होने वाले हैं। अब धीरे धीरे फ्रैंक और अप्रैल ने अपने सभी पड़ोसियों को बताया कि वे पेरिस जा रहे हैं, लेकिन उनके इस फैसले से कोई भी खुश नहीं है। और उनके एक पड़ोसी का कहना है कि पेरिस में रहना इतना आसान नहीं है, लेकिन दोनों जवाब देते हैं कि नहीं, अब हमने फैसला कर लिया है और हम जा रहे हैं। अगली सुबह उनकी पड़ोसन आंटी अपने बेटे और पति के साथ अप्रैल और फ्रैंक के घर आती हैं। यह भी पता चलता है कि वे दोनों यहाँ से पेरिस जा रहे हैं। वो उससे बहुत ही निजी सवाल पूछता है जो एक सामान्य व्यक्ति किसी से नहीं पूछता, लेकिन वे दोनों जानते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि फ्रैंक और अप्रैल का पेरिस जाने का फैसला सही है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और फ्रैंक के सीनियर ने कहा कि कंपनी तुम्हें प्रमोशन देना चाहती है और आपकी सैलरी भी दोगुनी करना चाहती है। तुम्हारा प्रमोशन लेटर मेरे पास है। यह सुनकर फ्रैंक सोच में पड़ जाता है, क्योंकि इस प्रमोशन से उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। हो सकता था, लेकिन पेरिस जाना उसका भी सपना था। अब उन्होंने अपना घर भी सेल के लिए लगाया है। फ्रैंक अपने प्रमोशन की खबर से बहुत परेशान हो जाता है। उसी दिन शाम को वह अप्रैल को सारी बात बताता है। अप्रैल कहती है कि तुम्हें कुछ और पैसे मिल रहे हैं, इसलिए तुम अपना सपना नहीं भूल सकते। वैसे भी तुम्हें यहाँ का जॉब पसंद नहीं है। हमें पेरिस लिए जाना चाहिए।
हमें अपना जीवन और सपने जी भर के जीना चाहिए, यह सब केवल पेरिस में ही हो सकता है। अब बात यहीं खत्म हो जाती है और अगली सुबह दोनों समुद्र तट पर टहलने जाते हैं, जहां फ्रैंक को पता चलता है कि अप्रैल पिछले 2 महीने से प्रेग्नेंट है। यह सुनने के बाद फ्रैंक को अप्रैल पर गुस्सा आता है क्योंकि वो इस बच्चे को दुनिया दिखाना चाहता है, लेकिन अप्रैल पहले से ही 2 बच्चे होने के कारण वह अपने तीसरे बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहती। उसी रात फ्रैंक ने अप्रैल को पेरिस न जाने के अपने फैसले को सुनाता है। इस बात से अप्रैल काफी नाराज हो जाती है। अगली सुबह फ्रैंक ऑफिस जाता है और अपने सीनियर और सहकर्मियों को अपने पेरिस जाने और अपनी प्रमोशन के बारे में बताता है। उसके एक दोस्त का कहना है कि वह जानता था। दूसरी ओर को भी अपना प्रमोशन स्वीकार कर लेता है। उसी दिन शाम को फ्रैंक के घर जाने से पहले पड़ोसी की आंटी और उसका बीमार बेटा उसके घर आते हैं। वो उन सबको पेरिस ना जाने के अपने फैसले के बारे में बताता है, लेकिन यह सुनकर अप्रैल बहुत क्रोधित हो जाती है। यह देखकर बीमार लड़का पूछता है कि क्या तुम दोनों ने मिलकर यह फैसला लिया है। यह सुनकर फ्रैंक गुस्से में उससे कहते हैं कि हेम, पूछना तुम्हारा अधिकार नहीं है क्योंकि यह हमारा आपसी मामला है। अब उनके बीच खूब नोकझोंक होती रहती है। आंटी अपने बेटे को वहाँ से ले जाती है। इसके बाद अप्रैल और फ्रैंक के बीच काफी मनमुटाव हो जाता है। दोनों बिना बोले सो जाते हैं। अगली शाम अप्रैल अपनी दोस्त के पति के साथ एक बार में है और उसे अपनी पारिवारिक समस्याओं के बारे में बताती है और पेरिस ना जाने के कारण वो डिस्टर्ब है। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं और दोनों का घर एक दूसरे के करीब होने से इसलिए वो एक ही कार में एक साथ बाहर जाते हैं। रास्ते में दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और वो कहता है कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करता था और अब हम साथ रह सकते हैं, लेकिन अप्रैल मना कर देती है। अब फ्रैंक और अप्रैल के प्यार में बड़ी दरार आ गई है। फ्रैंक उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन अप्रैल उससे दूर चली जाती है। फ्रैंक को अब एहसास हुआ कि अप्रैल बहुत आगे निकल चुकी है। अगली सुबह अप्रैल अबॉर्शन कराने के लिए वैक्यूम एस्पिरेशन लेती है। दोस्तों, दरअसल यह एक प्रकार की मशीन है जो गर्भ में 3 महीनों तक के बच्चे का अबॉर्शन तो कर सकती है, लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने से पहले काफी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। फ्रैंक से क्रोधित होकर अप्रैल बिना किसी चेतावनी के वैक्यूम एस्पिरेशन का उपयोग करती है, जिसके कारण अप्रैल को बहुत ब्लीडिंग होती है, जिससे अप्रैल के पड़ोसियों को एम्बुलेंस बुलाने और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कुछ देर बाद फ्रैंक भी हॉस्पिटल आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अप्रैल अब इस दुनिया में नहीं थी। यह सुनने के बाद फ्रैंक जोर जोर से रोने लगता है। फ्रैंक अब खुद को अप्रैल की मौत का जिम्मेदार मानता है और फ्रैंक अप्रैल से प्यार करता है, इसीलिए उसने दूसरी शादी भी नहीं की। अब वह अपने दोनों बच्चों की परवरिश कर रहा है। दोस्तों, इस कहानी से समझ आता है कि हमें अपनों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में अपनों का होना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।